हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लॉस अवर्शन की। जो ह्यूमन्स हैं वो लॉस अवर्स है, उनको लॉस सहना पसंद नहीं है, वो इससे बचने की हर कोशिश करते हैं और कई बार इससे हमारे डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। अगर हमारा घर किसी पर्टिकुलर एरिया में है और उसकी जो कीमत थी वो थी 50 लाख और प्राइसेस दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू सेल दैट एट 50 लैक्स। अगर हम कहेंगे कि नहीं मेरा तो नुकसान हो गया, तो वो दिन ब दिन प्राइसेस और डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। सेम केस स्टॉक्स के साथ भी होता है, तो हमको स्टॉक्स कब सेल करने ये भी पता होना चाहिए। और ये जो चीज़ जिन लोगों ने अपनी सामान बेचना होता है वो भी यूज़ करते हैं, जैसे आपने कभी किसी मॉल में गए होंगे या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो वहाँ पर आता है ना सेल, सेल फॉर 1 डे, सेल फॉर 3 डेज, सेल फॉर जस्ट 1 आवर्स, ओनली 5 पीसेस लेफ्ट। सो इससे क्या होता है, सामने वाले इंसान को ये लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, तो वो फटाफट वो जो डील है वो ग्रास्प करने के लिए भागता है। और एक और ऐसे एग्जांपल दूँ, तो सपोज़ करो आप किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो किसी न्यूज़पेपर की, तो एक महीने की 300, एक साल की 1200 और 2 साल की 1500, तो वो जो जो ह्यूमर से वो कंपेयर करेंगे, 1200 1500 1500 में फ़ायदा हो रहा है 12।